दिया हुआ है एक्स एंड वाई आर टू नंबर सच दैट देयर मेन प्रोपोर्शन इज 9 एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 243। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेते हैं मीन प्रोपोर्शन को, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन को पहले लेते हैं। तो ये हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन में हम क्या था यहाँ पर, देखिए ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी हम ये करते थे। तो देखिए यहाँ से हम इसको ए की जगह पर ये एक्स, बी की जगह पर आप ए मान लीजिए, और सी की जगह पर अब यहाँ पर ए होगा क्योंकि मीन प्रोपोर्शन है, और यहाँ वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स अपन ए इजकल टू ए अपन वाई, और इसका वैल्यू ये 9 दिया हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ये 9 दिया हुआ है, ठीक है। तब तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ये भी हो सकता है एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई, और इसके बराबर ये 9 के बराबर है, तो यहाँ से हम एक्स वाई को इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा रूट एक्स वाई इक्वल टू 9, ओके। थोड़ा सा बोर्ड को मूव कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है। अब देखिए क्या हुआ, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या एक्स वाई इक्वल टू, वहाँ स्क्वायर हो जाएगा ये 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81, ओके। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एक्स इजकल टू 81 अपन वाई, ओके। अब आगे देखते हैं फोर थर्ड प्रोपोर्शन, देखिए थर्ड प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है ए बी सी डी। तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करते हैं कि जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है लास्ट वाला, इसको हम एक्स ए मानते हैं, बाकी ये हो जाएगा एक्स इज टू वाई वाई इज टू डी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स अपन वाई इक्वल टू वाई अपन डी, और या फिर वाई अपन हम ए मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ए ही मानते हैं, ठीक है, ए मानते हैं वाई अपन ए इक्वल टू, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 243, ओके। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर इजकल टू ए एक्स इजकल टू 243, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, हम वाई स्क्वायर अपन एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बचेगा और ये 243 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब होगा ये यहाँ पर मेरा बच गया वाई स्क्वायर अपन एक्स इजकल टू 243, ओके। और देखिए ये वाई स्क्वायर का, तो ये वाई स्क्वायर छोड़ देते हैं, ओके, और हम एक्स की जगह पर 81 इंटू वाई पुट कर देंगे और ये 243 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा वाई क्यूब इजकल टू हो जाएगा 243 इंटू 81। तो देखिए 81 को तो यहाँ पर हम 9 इंटू 9 लेना में कैसे होता है, और 243 को यहाँ से हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। 3 7 3 8 24, 3 1 3 ये फिर 9 इंटू 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 9 और ये 1 9 मिलकर के यहाँ से तो y इजकल टू 9 निकल गया, और देखिए यहाँ से ये और ये खत्म हो गया, अब यहाँ बचा 3 और ये 9, तो ये 9 भी 3 इंटू 3 होगा, तो यहाँ से इसका क्यूब यहाँ से 3 निकलेगा, तो 9 3 27 वाई का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर हम x के लिए क्या करेंगे, x मेरा था 81 अपन y, ओके, 81 अपन 27, तो ये कटेगा द्वितीयाएँ 6 होती है, मतलब 3 बार में आपका ये आपका x और y का आपका आंसर हो जाएगा।